गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. इन क्लास 7th एंड 6th यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. क्लास 6 में हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स विच कैन बी ऑब्टेन बाय प्लांट. ऐसे फाइबर्स जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, जैसे जूट, कॉटन. देन व्हेन यू मूव टू क्लास 7th, तब आपने पढ़ा था फाइबर्स obtained from animals, means wool from sheep or silk from silkworm. Now in class 8th we will study about the synthetic fiber and plastic. The clothes which we wear are made up of fabric. Fabric kya hai? Clothes jo hamare kapde hain jo wo ek bahut barik dhagon se jo bante hain, these धागे जो जिनको आप कह रहे हैं, दीज आर फैब्रिक, कपड़ा जिसको हम कहते हैं. फैब्रिक आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और जो कपड़ा है वो बहुत सारे फाइबर्स से मिलके बनता है. वो फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, दीज फाइबर्स मे बी ऑफ आर्टिफिशियल. सो कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, सिल्क है, वूल है, जूट है, या फिर आप कॉटन है. Fibers are also used in making large variety of household articles. Make a list through these common articles made from fibers. Try to separate them. नीचे देखिए आप, यहाँ पर आपको एक टेबल नंबर 3.1 गिवन है. इसमें आपको क्या करना है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर. इसमें आपको अपने घर में जो चीजें हैं, घर में जितने भी क्लोथ आप यूज करते हैं, कॉमन यूज करते हैं, उनको आपको लिखना है कि वो किससे बने हुए हैं, नेचुरल से या फिर आर्टिफिशियल से. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी कपड़ा ले लिया, वो किससे बना हुआ है. आपने अपनी शर्ट ले ली, शर्ट कैसी है, नेचुरल कॉटन की है या फिर आर्टिफिशियल है. आपने अपनी कोई भी टी शर्ट ले ली, आपने अपनी कोई भी स्कर्ट ले ली, सूट ले लिया, कोई भी कपड़ा आप लेते हैं, तो वो किस तरीके के फाइबर से बना हुआ है, नेचुरल या फाइबर, ये टेबल आपको ड्रॉ करनी है. ठीक है, आप अपनी कॉपी में भी इसको ड्रॉ करेंगे. देन हाउ वुड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल, फाइबर्स को आप आर्टिफिशियल कैसे कह सकते हैं. ठीक है, यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लास नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल्स एंड विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं. द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाई ह्यूमन बींग, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, इसको आप सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे. सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, एक तो पहले आप लिखेंगे नेचुरल फाइबर्स, ऐसे ही बिल्कुल डिफाइन करना है. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर, दैट इज फ्रॉम प्लांट और एनिमल, एग्जाम्पल लिख लें. सिंथेटिक फाइबर्स क्या हो गए, दीज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड. क्लियर, लिखना भी है आपको ये दोनों डेफिनेशन यहाँ पे. फिर इसके बाद नेक्स्ट आया, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. इस सिंथेटिक फाइबर को हम एक्सप्लेन करने के लिए कि सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली कैसे बनाए जाते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे नेकलेस का. देखिए आप, जिस तरीके से माला होती है ना, एक एक दाने को पिरो करके पूरी माला बनती है, उसी तरीके से कुछ केमिकल सब्सटेंस छोटे छोटे, अगर आप माला के दानों को केमिकल सब्सटेंस मान लो, ये एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी चेन बना रहे हैं, उसी तरीके से जो कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर के एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, और उस चेन को हम कहते हैं पॉलीमर. देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टूगेदर. सिंथेटिक फाइबर कैसे बन रहा है, स्मॉल यूनिट को एक साथ ज्वाइन करके. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस. और जो ये मोती के दाने हैं, अगर उनको हम सिंथेटिक फाइबर में ले लें तो वो क्या होगा, एक केमिकल सब्सटेंस होगा. और इन्हीं छोटी छोटी यूनिट को मिला करके, छोटे छोटे मोती के दानों को मिला करके एक बड़ी माला बन रही है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, साइंस के टर्म में कहते हैं पॉलीमर. और पॉलीमर का मीन्स क्या है, पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट, जो बहुत सारी यूनिट्स को मिलकर के बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर. क्लियर. अब इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, टाइप्स
ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं रेयॉन। क्लास सेवेंथ में भी आपने पढ़ा है सिल्क ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट डिस्कवर्ड इन चाइना। फिर उसके बाद रेयॉन क्या है? रेयॉन एक्चुअली जो है वो सिंथेटिक फाइबर नहीं है पूरी तरीके से। रेयॉन जब आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो रेयॉन जो है, रेयॉन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहा जाता है बिकॉज रेयॉन जो है वो सेलुलोज के साथ मिलकर के बनाया जाता है। देखिए यहाँ, चाइना एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। आपको पता है सिल्क के जो फाइबर होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, जो प्योर सिल्क है, लेकिन उसका टेक्सचर इतना अच्छा होता है, वो देखने में इतना अच्छा होता है कि सबको अच्छा लगता है, तो सब उसको लेना चाहते हैं। तो उन्हीं को सस्ता बनाने के लिए, हर एक के अप्रोच में बनाने के लिए आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया, और आर्टिफिशियल सिल्क उसी को हम कहते हैं रेयॉन, जिसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सिल्क के ही सिमिलर होती हैं, बट वो क्या होता है, बहुत सस्ता होता है, उस पर कीड़े नहीं लगते हैं, दैट मीन्स वो ज़्यादा किफ़ायती होता है। इसलिए इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेलुलोज वुड पल्प का यूज़ करते हैं। लिखा है ना कि वी यूज ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, इसको हम यूज़ करते हैं, और तब जो फाइबर हमारा बनता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। Although rayon is obtained from natural source, yet it is man-made fiber, and जबकि सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, ये man-made है, क्योंकि सेलुलोज के साथ कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो इन फाइबर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं, और बहुत जगह यूज होता है सिल्क। आपको पता है सिल्क जो है फाइबर्स बनाने में यूज होता है। जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको हम डिफरेंट कलर्स में भी कर सकते हैं, उसमें कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है आर्टिफिशियल सिल्क। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नायलॉन। नायलॉन आपने बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा। नायलॉन क्या है, रोप्स होती हैं, देखा है नायलॉन की रस्सियां, आपके जो सॉक्स हैं वो जिस चीज से बने हैं वो है नायलॉन। नायलॉन एक मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी, ये पहला ऐसा फाइबर है जो कि प्योरली सिंथेटिक है, ठीक है। फुल्ली देखो लिखा हुआ भी है, इट वॉज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। जो नाइलॉन फाइबर होते हैं वो स्ट्रांग है, इलास्टिक में उनको खींच सकते हैं, और लाइट होते हैं, इजी टू वॉश, और वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। और देखिए यूजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा नेम द आर्टिकल्स आर मेड अप ऑफ नायलॉन। सॉक्स हैं, रोप्स हैं, यहाँ पे देखो जितनी भी चीजें दिखाई दी हैं, ब्रश हैं, कर्टन्स हैं, ये सब किससे बनते हैं, नायलॉन से बनते हैं। यहाँ देखिए कारपेट, ये सारी चीजें दी हैं। इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रांग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग? यस, नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग, जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, उनसे हम रोप्स बना सकते हैं जो क्लाइंबिंग के काम आता है। देखिए नेक्स्ट, इसमें आपको ये दिखाई दिया है, ये जो एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं, दो फोटो दी हैं पैरासूट में, क्लाइंबिंग में, यहाँ पे हम कौन सा फाइबर यूज करते हैं, नायलॉन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैंप, आप इसको हाथ से भी पकड़ सकते हैं। टेक ए कॉटन थ्रेड अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, थोड़ा धागे पे बांध लीजिए, और सो कैन इट हैंग फ्रीली, कहीं पर भी ऐसे बांध दीजिए जिससे कि वो फ्रीली हैंग होता रहे। इस तरीके से बांध दिया है इसको, और फिर इसके बाद इसमें क्या किया हमने, एड वेट वन बाय वन, जब तक कि वो थ्रेड किसी भी चीज पर बांध दीजिए। आपको क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है कि कितनी है। एक धागा लो, धागे पे कोई भी चीज बांध दो आप, जिससे कि वो फ्री रह सके, पकड़ना नहीं है आपको, और फिर उसमें आप वेट रखते जाओ कुछ थोड़ा बहुत, घर में जो भी चीजें हैं वेट, और फिर आपको ये देखना है कि वो कितना वेट ले सकता है। कोई कॉटन का थ्रेड ले लो, वुल का और सिल्क का, आपको इसमें ये टेबल उसी ऑब्जर्वेशन पे पूरी करनी है, ठीक है। तो आज आप ये एक्टिविटी करेंगे और ये टेबल्स फॉर्म करेंगे, एक पहली वाली और एक दूसरी वाली,
दो आपको डेफिनेशन लिखनी है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। इससे आगे का काम हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।